ललितपुर के ग्राम अड़वाहा का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ग्राम अड़वाहा के निवासी एक किसान ने रेलवे विभाग पर 1.5 एकड़ की जगह 24 एकड़ भूमि कब्जा किए जाने का आरोप लगाया। मामले की जांच को लेकर रेलवे सहित जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से पीड़ित किसान ने अपनी जमीन वापस कराए जाने की मांग की है। ललितपुर से आनंद भारत के लिए प्रमोद बबेली की रिपोर्ट। क्या नाम है? लखनलाल कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम अड़वाहा का रहने वाला हूँ और साथ में प्रधान प्रतिनिधि भी हूँ, दूसरा जनसेवक भी हूँ स्वयं सेवी संस्था। तो ये जो जमीन दिख रही है, हाँ, इस पर रेलवे गवर्नमेंट ने बिना नाप किए हुए कई बार शिकायतें हुई। 2019 में डीआरएम महोदय से भी बात हुई, डीएम साहब से भी बात हुई, और डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि रेलवे सदस्यों की समिति और ये राजस्व के विभाग की अधिकारियों की समिति पहले नाप होगी, इसके बाद में बाउंड्री बनाई जाएगी। लेकिन जब से लॉकडाउन लगने के कारण किसान भी शांत हो गए, अधिकारी भी शांत हो गए, वो शिकायत इन लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दी। अभी फिर 2022 में अभी जब किसान शांत हो गया कि चलो हमारी सुनवाई हो रही है, अच्छा, तो उसके बदले में इन लोगों ने क्या किया कि धोखे से कर दिया। ये पूरे प्लस जितने भी के अंदर रंग दादागिरी से आरपीएफ की धमकी दी अधिकारियों ने। रेलवे के आईओडब्ल्यू चीफ प्रीतम सिंह है ललितपुर में, उन्होंने कहा है कि अगर यदि तुम किसान नहीं मानोगे और नहीं काम होने दोगे तो आरपीएम में तुम्हारे ऊपर कई मुकदमे दर्ज करवा दूंगा। किसान बेचारे डरा गए, घबरा गए, किसानों ने कुछ नहीं किया। अच्छा, अब इस बाबत में हम एक बार डीआरएम ऑफिस भी गए, ये लगभग 7 तारीख के लगभग गए थे इसी माह में, ये जुलाई चल रहा है, 7 तारीख में झांसी गए। माननीय गोयल साहब से बात हुई, गोयल साहब ने प्रीतम सिंह के लिए फोन किया कि भाई काम रोक दे, लेकिन प्रीतम जो सीनियर डीएन है उनकी भी प्रीतम सिंह ने बात नहीं मानी और काम लगाया अपने ठेकेदारों को। और ये जो नक्शा दिख रहा है ये पूरा किसानों का ही एरिया है, और ये जो मुंडी गड़ी हुई है पुरानी, वर्तमान में मुंडी यहाँ पर गड़ी हुई थी, ये मुंडी गड़ी हुई थी, देखिए तो करीब करीब 25 तौर पर दबा लिया है। अब की हाई चल रही है और के लिए डीआरएम रेल मंत्रालय सभी अधिकारी तौर पर दबा लिया है, कुछ नहीं हो रही है। अभी काम जारी है या फिर बंद हो गया है? काम तो अभी ठेकेदार ने बताइए, आप क्या कार्रवाई चाहते हैं इस पर? हम इस पर ये चाहते हैं कि या तो हमारे किसानों की जो ज्यादा जमीन घेर ली रेलवे ने, तो या तो वह जमीन छोड़ दी जाए या किसानों के लिए मुआवजा दे दिया जाए, और बिना सूचना दे ही जगह का अधिग्रहण कर लिया, ना बिना नाप तौल के, ना कोई दाग बेल डाली गई, ना कुछ हुआ है। तो ऐसा तो नहीं कि जितनी जगह यहाँ पे घेरी गई उस वहाँ तक जखोरा टू देलवारा तक ऐसे ही हुआ? देलवारा बख्तर में तो ऐसा हुआ, बख्तर गेचवारा का मैटर अलग है, कि वहाँ पे तो जब किसान ने अधिकारियों से जो भी बात हुई है वहाँ पे तो रेलवे के अधिकारी किसानों के लिए 10 फुट रेलवे की छोड़े आओ, वो यहाँ पे 10 फुट रेलवे की छोड़ दी, उतने की भरपाई उसने अड़वाहा में कर दी, पंचमपुर अड़वाहा में करना चाहते हैं, उतने 20 एकड़ छोड़े आए, यहाँ 40 एकड़ का कितने कर लो कब्जा कर लो जबरदस्ती। तो भाई इतने के किसान तो या तो मुआवजा दे दो, मुआवजा नहीं दे रहे तो पनी हद पे हो नाप के, पनी हद पे हो बाउंड्री रख लो, हमारी जमीन हमें छोड़ दो। हम दोनों बातों के लिए एग्री है, अगर रेलवे के लिए जमीन चाहिए है तो हमारा नाप के मुआवजा बना दे। जितने किसान, कम से कम 100-200 किसान ऐसे हैं कि जिनकी जमीन पे अधिग्रहण हो गया है और नाजायज तौर से हुआ है, जबरदस्ती हुआ है। जबरदस्ती किसने की? जबरदस्ती रेलवे के अधिकारियों ने, ठेकेदारों ने, रेलवे के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने और ठेकेदारों ने। तो उन पर आपने कार्रवाई नहीं की? अब उन पर कार्रवाई क्या, पत्राचार से डाक द्वारा और जे दरखास्त वगैरह जी चल रही है, और भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है।